हेलो एंड वेलकम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। आज हम बात करेंगे सिक्स सेमेस्टर सिलेबस की। मैंने जो है थोड़ी सी बुक्स का सिलेबस रखा है क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। अगर किसी को भी कोई भी बुक का सिलेबस चाहिए तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है और मैं उसको PDF के द्वारा उस बुक का सिलेबस प्रोवाइड करूँगा। ये देखिए आप, इंग्लिश लिटरेचर का पहला था इंग्लिश, जनरल इंग्लिश फॉर ऑल। ये है इंग्लिश लिटरेचर, यह है एजुकेशन गाइडेंस एंड काउंसलिंग का सिलेबस। बस इतना, चार चैप्टर इसके और है। इसका जो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल्स होते हैं वो कॉलेज में ही बताए जा रहे हैं। यह एजुकेशन, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड ICT, इसके भी चार चैप्टर्स हैं। ये आपका मिर्ज़ा गालिब का खसूसी मुताला यानी उर्दू, जिसे हम कहते हैं मिर्ज़ा गालिब का खसूसी मुताला अलग होता है। किसी को यह इसका यूनिट 2 गालिब की ज़राफ़त, गालिब की जिद्दत पसंदी, यूनिट 2 गालिब की कसीदा गोई, मतलब गालिब के बारे में ही होगा हमारा यह यूनिट। यूनिट्स है गालिब की मंदरज ज़ैल गज़लों के का शेर हासिल मुताला। तो इसके बाद हमारा उर्दू लिटरेचर में ही होगा अल्लामा इकबाल का खसूसी मुताला। ये तो जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, गालिब और अल्लामा इकबाल का खसूसी मुताला आप देख सकते हैं। इसके भी चार यूनिट्स होंगे। यूनिट और इकबाल की हयात और शख्सियत के बारे में, इकबाल की इब्तदाई व आखिरी के बारे में, इकबाल की तस्वीर खुदी, इकबाल का तस्वीर मीर दमन है। यूनिट 4 में ऐसे ही आप देख सकते हैं। यह है हमारा, ये इसी का है उर्दू लिटरेचर का। अगर किसी को प्रैक्टिकल वगैरह होता है तो उसको करना होता है। कश्मीरी लिटरेचर का हमारे पास है यूनिट 1, अदब व नज़म के बारे में। कश्मीरी लिटरेचर 6 सेमेस्टर का सिलेबस है। अदबी तनकीद, ये दूसरा जो है कश्मीरी का ही, यूसुफ गुलजार असल तर्जुम। यह है हमारे पास इंग्लिश लिटरेचर, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। ये भी ज़्यादा नहीं होता है लेकिन किसी किसी को होता है, मैंने रखा है। सब बुक्स का मैं नहीं रख सकता था, जिसको भी चाहिए किसी भी बुक का वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। ये हमारा है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर्स इन इंग्लिश। ये भी ज़्यादा लोगों को नहीं होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।